अब वो दिन आएगा जब हम भी मेहंदी लगवाएंगे। एक परफेक्ट हाइलाइटर को अप्लाई कैसे करें, तो यहाँ पे मैं हुडा ब्यूटी का 3D हाइलाइटर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं, आप तो आप चाहे तो कोई भी अच्छी क्वालिटी जो भी आपको ब्रांड पसंद हो उस का हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हुडा ब्यूटी का 3D हाइलाइटर पैलेट ले रही हूँ। तो हाइलाइटर अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले तो हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए ब्रश से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, फैन ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फ़ैन ब्रश से बताऊँगी कि कैसे अप्लाई करना है। तो आप जो हाइलाइटर है, हाइलाइटर का प्रोडक्ट ले लें कुछ इस तरीके से और अप्लाई करें। सबसे पहले अपने नोज़ के इस एरिया को अप्लाई करें। देख सकते हैं मेरा नोज़ अब शाइन करने लगा, काफ़ी ग्लोइंग दिखने लगा। तो कुछ इस तरीके से हाइलाइटर, याद रहे बहुत ज़्यादा भी हाइलाइटर अप्लाई ना करें, बिल्कुल नॉर्मल वे में हाइलाइटर को अप्लाई करें। तो कुछ इस तरीके से मैं हाइलाइटर को अप्लाई कर लूँगी। देख सकते हैं आप, मेरा नोज़ काफ़ी ग्लो कर रहा है। अब मैं जिस हाइलाइटर को अपने यहाँ पे लिप्स के इस एरिया पे भी अप्लाई कर लूँगी ताकि एक अच्छा सा लुक आ सके। यहाँ हो गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये एंड अब जो हाइलाइटर है मैं यहाँ पे चिक बोन पे अप्लाई करूँगी, चिक्स के इस एरिया पे अप्लाई करूँगी। याद है बहुत ज़्यादा भी अप्लाई ना करें, बिल्कुल हल्का सा अप्लाई करें ताकि आपका फेस एक नो ग्लो दिख सके, ग्लोइंग दिख सके, शाइन कर सके, एक अच्छा सा अप्लाई कर लें। यहाँ पे अप्लाई कर लिया मैंने, अब मैं आईब्रो के इस एरिया पे अप्लाई करूँगी। फाइनल लास्ट मैं टचअप दे रही हूँ, यहाँ भी थोड़ा हल्का सा अप्लाई कर ले। तो आप देख सकते हैं मेरा फेस, मेरा नोज जो है काफी ग्लो कर रही है, यहाँ वाले पोर्शन पे भी काफी अच्छा लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप हाइलाइटर को अप्लाई करो। हाइलाइटर को ऐसा नहीं है कि आप फाउंडेशन लगाने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल कोई बीबी क्रीम अप्लाई किया है, कोई सीसी क्रीम अप्लाई किया है, तो उसके बाद भी हाइलाइटर को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको फिंगर से कैसे अप्लाई करें। तो ये रहा हाइलाइटर, मैं यहाँ पे ये फिंगर लूँगी और इस फिंगर से मैं अपने नोज़ पर अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं सीधा ये पता लग रहा है ये कि मैंने इसको फिंगर से अप्लाई किया है। तो अब जब मैं इसको फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ तो कुछ इस तरीके से लगाने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिला लूँगी ताकि अजीब सा बिल्कुल भी ना दिखे कि भूत ना लगूँ मैं। इसलिए तो देख सकते हैं आप यह हाइलाइटर को मैंने मिला लिया। अब फिंगर से कहाँ लगा सकते हैं, तो अब फिंगर को मैं यहाँ पे आईब्रो के इस पॉइंट पे भी अप्लाई कर सकती हूँ फिंगर से। यहाँ पे अप्लाई कर लिया, लिप्स के इस एरिया पे भी अप्लाई कर सकती हूँ। और हाँ, हाइलाइटर को आप अगर लिपस्टिक लगाने के बाद भी अपने लिप्स पे कुछ इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एंड अब ये चिक्स पे लगा सकते हैं या नहीं, तो हाँ चिक्स पे लगा सकते हैं, बट देखिए जब मैं फिंगर से लगा रही हूँ तो कैसा ये लगाया मैंने फिंगर से। अब जब मैंने इसे फिंगर से लगाया तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मिला नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ पे चिक्स है वहाँ पे मैं फैन ब्रश का यूज़ करूँगी। बेटर होगी आप फैन ब्रश का ही यूज़ करें चिक्स पे हाइलाइटर को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं हाइलाइटर को ये जो मैंने लगाया है उसको आप
आप फिंगर का भी अप्लाई कर सकते हैं, बट बेटर है कि फैन ब्रश का यूज़ ही कर करके आप चिक्स पे हाइलाइटर को अप्लाई करें। तो आप देख सकते हैं मेरे फेस को, मैंने यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई किया है यहाँ पे। और हाँ, आप चाहें तो आईब्रोज़ के इस एरिया पे भी फिंगर से अप्लाई कर सकते हैं। फिंगर से अप्लाई करते वक्त ध्यान है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे मिला लें जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मैं ग्लो कर रही हूँ, शाइन कर रही हूँ, मेरा नोज़ तो काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप हाइलाइटर को अप्लाई कर सकते हैं। तो होप गाइस मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप उसे देख सकें, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड हाँ, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले आप उसे देख सकें। तो नाउ लेट्स व्हाट, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।